कटनी में आधी रात को अज्ञात बदमाशों ने डेयरी संचालक के घर पर लूट की वारदात को अंजाम दिया था। इस दौरान बदमाशों ने घर के मालिक मनीष शर्मा और उनकी पत्नी पूनम व बच्चे सत्या पर चाकू से हमला किया, जहां अस्पताल में इलाज के दौरान मनीष की मौत हो गई। वहीं उनकी पत्नी और बच्चे का इलाज चल रहा है। कटनी में अज्ञात बदमाशों ने हथियार के दम पर लूट की बड़ी वारदात को अंजाम दिया था। बदमाशों ने मनीष के घर से करोड़ों रुपए के जेवरात और पैसे चुराए। थाना प्रभारी अजय सिंह ने बताया था कि बदमाश मनीष के घर पीछे के दरवाजे से घुसे थे। पहले उन्होंने मनीष और उसके परिवार पर चाकू से हमला किया, उसके बाद अलमारी में रखे जेवरात और पैसे लेकर फरार हो गए। आरोपियों की तलाश लगातार जारी है। आधार कार्ड में मनीष शर्मा निवास करते हैं अपनी पत्नी और बच्चे के साथ में। आज 2:30 बजे रात में चार अज्ञात बदमाशों ने उनके घर में मारपीट कर लूटपाट की है। तीनों लोगों को चाकू से वारदात की है, जिनको चोट आई है, जिन्हें हमने MGM हॉस्पिटल में इलाज हेतु भर्ती कराया है। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है। हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।